नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे सबसे आसान तरीके से राम से भगवान श्री राम जी का चित्र बनाना। दशहरा पर बहुत ही सुंदर सा चित्र बनने वाला है दोस्तों। आप यहां पर आसानी से पहले हिंदी में राम लिख दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, एक बीच में छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों, आर से ही आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे अंदर करना होगा, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे पूरा यहाँ पर लाकर मिलाइएगा माँ के इस वाले सिरे पर, इधर आप मिला देंगे। अब गाइस, आपको यहीं से भगवान श्री राम जी का पहले आपको बना देना है आई, तो आप यहाँ से ऐसे उठाइएगा, सेम आप इधर भी ऐसे उठा देंगे, इधर आईब्रो बन जाएगा। आईब्रो बनाने के बाद यहाँ से ऐसे करेंगे, इधर से यूं करिएगा, इनका हम आई बना देते हैं पहले, इधर से ऐसे करेंगे और इधर एक सर्कल बनाकर छोटा सा डार्कर लगा देंगे। और गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री राम जी की जय जरूर लिखिएगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर आपको इनका नोज़ बना देना है, यहाँ से ऐसे इधर उठा दीजिए। अब गाइज, आपको लिप बना देना है राम जी का, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ये ऊपर उठाइएगा, हल्का सा नीचे करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर, फिर नीचे से ऐसे मिला देंगे, तो लिप भी बन के तैयार हो गया। लिप बनाने के बाद दोस्तों, अब आपको इस तरह से इसको नीचे करना होगा, यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, फिर ऊपर उठाइएगा और इस माँ पर लाकर मिलाना होगा बहुत ही आराम से दोस्तों। यहाँ से ऐसे माँ पर लाकर मिला देंगे, ये हो गया, आपने मिला दिया। मिलाने के बाद जस्ट बगल से ही इनका ईयर बना देना है माँ से, तो आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए और ये वाला पोर्शन जाएगा यहाँ पर ऐसे, और इधर आप एक ओवल शेप बनाकर यहाँ पर डबल कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर दीजिएगा, इधर से यूँ करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे करिएगा और इधर आपको छोटे छोटे सर्किल बनाते हुए श्री राम जी का माला बना देंगे, तो यहाँ पर ऐसे उठाइए। उठाने के बाद दोस्तों, आ जाइएगा इधर ऊपर, आपको यूं करना है ऐसे और इसको ले जाना होगा यहाँ तक ऐसे, और थोड़ा सा और इसको यहाँ पे कर देंगे, अभी हम कलर कर देंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा इधर, और बीच में आपको छोटे छोटे ऐसे सर्किल बना देना होगा, इधर भी ऐसे बनाइए, ऊपर यूं कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सा आप आगे और बढ़ा दीजिए, यहाँ से भी ऐसे आगे बढ़ाइएगा। अब गाइज, आपको इनका हेयर बना देना है श्री राम जी का, इधर से ऐसे यूं, सेम आप इधर भी ऐसे इनका हेयर बना दीजिए। नीचे के साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, एक यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके डबल कर दीजिए। फिर से दोस्तों, आपको एक बड़ी सी माला यहाँ पर बनाना होगा, सर्किल बनाते हुए ऐसे छोटे छोटे रुद्राक्ष की माला बना देंगे आप, इसको ऊपर के साइड में लाकर मिला दीजिए, तो ये हो गया दोस्तों। अब हमें यहीं पर एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक लाइन इधर, यहाँ से ऐसे करिएगा, बीच में आप डबल कर दीजिए, इधर एक लाइन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर वी, फिर वी, फिर वी, तो यहाँ पर बन गया आपका धनुष का तीर बन जाएगा। इधर आप धनुष बना दीजिए राम जी का, यहाँ से ऐसे करेंगे और इधर मिलाइए और इसको कर दीजिएगा डबल दोस्तों, यहाँ से ऐसे हो जाएगा डबल, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और आगे के साइड में एक सर्किल छोटा छोटा बनाइए और इधर भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे, और इधर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देना है, तो ये भगवान श्री राम जी का धनुष भी बनकर तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से श्री राम जी का चित्र बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम इनको आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।